हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है गोविंद, आप देख रहे हैं टेकेगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ व्हाट्सअप स्टेटस से रिलेटेड जो है पांच ऐसे ट्रिक्स जो आपको नहीं मालूम होंगी। दोस्तों, पांचवें नंबर की ट्रिक जो है केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए है और जो खास है, तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, जो शुरू से बता रहा हूँ ना, ये चारों भी जो ज़बरदस्त ट्रिक है, डेफिनेटली जो है आपको नहीं बताऊंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं पहली ट्रिक की तरफ। दोस्तों, आपको व्हाट्सअप में चले जाना है। दोस्तों, व्हाट्सअप में जो है आप यहाँ पे बोल्ड करने के लिए जो है किसी भी पैराग्राफ वर्ड के आगे जो है स्टार लगाते हैं आगे पीछे, तो जो है वो यहाँ पर बोल्ड में हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप जो है अपने व्हाट्सअप स्टेटस में जो है ये चीज़ सारी करेंगे तो वो जो है यहाँ पर भी वर्क करती है ना, मज़ेदार। तो दोस्तों, चलते हैं सेकंड के ट्रिक के। दोस्तों, आप जो है किसी के स्टेटस को नहीं देखना चाहते, गलती से भी नहीं देखना चाहते, आप क्या करते हैं व्हाट्सअप में जो है यहाँ पर इसको यानी कि स्लाइड करते रहते हैं इधर से उधर, तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर जो स्टेटस है ना बदलते रहते हैं, यानी कि अलग अलग लोगों के आते रहते हैं। तो आप चाहते हैं कि गलती से भी ना देखें, तो आपको क्या करना है, सिंपली जो है किसी को जो है यहाँ पर होल्ड करना है, होल्ड करेंगे और यहाँ से जो है म्यूट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, गलती से भी जो स्टेटस ना आपके यहाँ पर नहीं आएगा जब तक जो है आप उसे अनम्यूट नहीं करेंगे। दोस्तों, आप चलते हैं तीसरी ट्रिक की तरफ। तो आपको क्या करना है, आपके सामने जो है स्टेटस है, आपको स्टेटस के आगे जो है थ्री डॉट देखने को मिलता है, इसमें आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है दोबारा से जो है थ्री डॉट में क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों, आपको जो कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, फॉरवर्ड का मिलता है, आप दूसरे किसी को अगर आपसे कोई मांगता है वहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेकंड जो है शेयर मिलता है, दोस्तों शेयर टू फेसबुक। दोस्तों, क्या आपको पता है, यहाँ से आप जब शेयर करते हैं ना, तो आपका जो ये स्टेटस है आपके फेसबुक में जो है स्टोरी में चला जाता है, यानी कि दोनों जगह जो है आप सेम टाइम में जो है यहाँ पर इसको शेयर करके जो है डायरेक्टली जो है फेसबुक में इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों, है ना मज़ेदार। दोस्तों, आप चलते हैं चौथी ट्रिक की तरफ। दोस्तों, चौथी ट्रिक जो है उन लोगों के लिए है जो लोग जो है ज़्यादा घूमते हैं और जो है आप बताना चाहते हैं और जो है अपनी एग्जैक्ट लोकेशन भी जो है अपनी जो आप स्टेटस लगाते हैं उसमें देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली जो है आपको यहाँ पर कैमरे वाले बटन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, जैसे कि ये फोटो है, मैं इसे ले लेता हूँ दोबारा, आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस आएगा। उसके बाद आप देखिए ऊपर जो है एक जो है इमोजी का जो है ऑप्शन में आपको मिलता है। इसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर कुछ ऊपर जो है यहाँ पर घड़ी का आइकन आ रहा है, टाइम का आ रहा है, और उसके बगल में दोस्तों छोटा सा एक प्यारा सा जो है यहाँ पर ये आइकन है, इसमें आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ये सेटिंग के अलाउ करने के लिए बोलेगा, यानी इससे परमिशन देनी पड़ेगी आपको आपकी लोकेशन की। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ जो है लोकेशन को जो है यहाँ पर जो है अलाउ कर देता हूँ, ठीक है, और जो है बैग आ जाता हूँ, बैग, ठीक है। अब दोस्तों, ये जो है यहाँ पर आपकी लोकेशन लेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपकी जो लोकेशन है ना, जैसे कि मैं इसे जो है क्लिक करता हूँ, अब जैसे ही दोस्तों मैं इसको लगा दूंगा, तो यहाँ पर जो है ना ये आप देखेंगे यहाँ पर जो लोकेशन यहाँ पर सेट हो गई है। जैसे ही दोस्तों कोई मेरा स्टेटस देखेगा, अगर जो वो चाहेगा ना कि ये कहाँ गया है, उसको जो है आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने उसके सामने ये आएगा यहाँ पे पिन। जैसे ही से वो इसमें क्लिक करेगा, तो उसके सामने जो है वो सीधा मैप में, गूगल मैप में जाएगा और जो है वो लोकेशन वो देख लेगा कि आप जो है कहाँ घूमने गए, है ना दोस्तों। एकदम धाचू ट्रिक, आपको ये नहीं मालूम होगी, ये तो मुझे जो है डेफिनेटली पता है, 100% पता है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों पांचवी और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने शुरू में ही बोला था। दोस्तों, यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस है, ऊपर की तरफ जो है आपको थ्री डॉट देखने को मिलेंगे, थ्री डॉट देखेंगे, स्टेटस प्राइवेसी में आपको क्लिक करना है। दोस्तों, स्टेटस प्राइवेसी में क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, माई कॉन्टैक्ट आ रहा है, ठीक है। सब तीन ऑप्शन आ रहे हैं, पहले वाले में जो है आपका स्टेटस जो है आपके जो भी कॉन्टैक्ट वाले हैं वो देखेंगे, दूसरे में दोस्तों आप चाहते हैं कि जो है कुछ लोग ना देखें, तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो है उस नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, जो है जिनको आप सेलेक्ट करेंगे उनको जो है नहीं दिखाई देगा आपका स्टेटस। दोस्तों, अब आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, शेयर, ओनली शेयर विथ। दोस्तों, ये जो है उन लोगों के लिए है जो बाबू सोना वाले हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों, आप चाहते हैं आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बर्थडे है और जो है आप लगाना चाहते हैं स्टेटस, वो भी जो है बिल्कुल किसी की चिंता करे बिना, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और जो जिसके साथ जो है आपको लगाना है, यानी कि जिसकी भी जिसको आपको दिखाना है, तो उसे जो है आपको यहाँ से, जैसे मैं होम करता हूँ, ठीक है, मैं इसको जो है ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों, मैं कोई भी स्टेटस लगाऊँ ना, केवल जो है जो मैंने कॉन्टैक्ट सेलेक्ट किया है उसे ही दिखाई देगा और किसी को नहीं दिखाई देगा, है ना दोस्तों, ज़बरदस्त ट्रिक, ठीक है। यहाँ से मैं इसे वापस कर लेता हूँ, मुझे तो सबको दिखाना है फिलहाल। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और तो ऐसी वीडियो को लेते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक करे बैठे कि रमना खाए।